हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बोल इन करियर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए है। उसमें ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जो सर्कल वाला पार्ट है उसकी हम एक सीरीज कर लेंगे। जितने भी थ्योरम्स वगैरह हैं जो आपको पता होने चाहिए वो सारे हम यहाँ पे देख लेंगे, और उनका यूज़ क्वेश्चन में कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए वो भी इस पूरे सीरीज में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, फॉलो करिएगा रेगुलरली। अब क्योंकि एक क्लास में देखिए बहुत ज्यादा बता भी देंगे तो फिर जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं इतना ही कवर करूंगी जो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए और उसका एप्लीकेशन। और एक चीज, जो जो थ्योरम्स आपको इसमें बताए जाएंगे इस क्लास में, वो आपको क्या करने हैं वो समझ के याद कर लेना है। याद क्यों करना है, क्योंकि उसी का यूज हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस जो आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो थ्योरम्स बताए जाएंगे वो तो आपको समझना है, समझ के आपको क्या करना है उसको याद कर लेना है, क्योंकि मे बी आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना आए लेकिन उसका यूज आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में मिल सकता है। बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस अगर आप आराम से चीजों को याद कर लें। ठीक है, नोटबुक पेंसिल आप एकदम रेडी कर लीजिए और साथ ही साथ इसको आप लिखते चलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्लास है हमारा, आप शुरू से इसकी प्लेलिस्ट होगी, आप इसको पूरा जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहला थ्योरम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है थ्योरम नंबर वन। ठीक है, इसको आप लोग इसी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने आप अपनी लैंग्वेज में देखिए। अब आपको कोई ऐसा एग्जाम तो देने बैठ नहीं रहे कि आपको एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में इजीली लिखते चलेगा। ठीक है, पहला जो थ्योरम है देखिए वो है, मान लीजिए देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल पे मान लीजिए आपने दो पॉइंट लिए। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है बी। सर्कल के दोनों जो है, ये जो पूरा सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब इस सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपने जोड़ा, ठीक है, ए बी, मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक और आपका दो पॉइंट्स आपने इस साइड ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं सर्कल पे। ठीक है, वो हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, इसका हमने नाम दे दिया सी डी। तो आपकी नॉलेज में क्या क्या चीज है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, पहला चीज आपके नॉलेज में क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हमने जो ड्रॉ किया है ये सी डी जो है ये ऐसे बना है, ये सी डी ऐसे बन सकता था, ऐसे बन सकता था, किसी भी तरह से बन सकता था, बस होना क्या चाहिए, ए बी इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए। ठीक है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगर ये केस है, ठीक है, आपको ये समझना है, अगर मान लीजिए ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, लाइन्स दोनों लाइन्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को लेकर अगर आप सेंटर पे अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए को क्या किया, सेंटर से कनेक्ट किया। ठीक है, सेंटर हमारा ओ है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये जो मेरा एंगल बना है, और इसी तरह मान लीजिए हमने क्या किया, सी और डी, जैसे ये सी है, सी से हमने ओ की तरफ लाइन खींचा और D को भी हमने क्या किया, O पे लाइन, O क्या है हमारा सेंटर है। ठीक है, और ये मेरा एंगल क्या बन गया, सी ओ डी। ठीक है, यहाँ पे मेरा कौन सा एंगल बन गया, एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो फिर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये सर्कल में ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन इसको हम प्रूफ में इसके जाएंगे नहीं, हमको ये चीज बस याद कर लेनी है कि अगर कोई भी सर्कल है जिसमें कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, ये हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं, इस लाइन को सर्कल के अंदर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उनको कॉर्ड्स कहते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो वो जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, जो एंगल बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को बस आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, जहां पे ओ क्या है, ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसी डायग्राम को मैं अलग तरीके से बनाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि फिगर जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आपको तो बहुत लोगों ने ये सिस्टम बना लिया होगा कि दो लाइन खींचिए ऑपोजिट के ऐसे एंगल हो, तो ही ऐसा नहीं है। एक और मैं आपको डायग्राम देती हूँ सेम थ्योरम लगा के, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। ठीक है,
अब आप ये डायग्राम देखिए, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमारा केस क्या है, हमारा ए बी इक्वल टू सी डी ही है, ठीक है, ये हमारा गिवन थिंग है, आपको पता है कि ए बी और इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी है। आपने इसमें से समझा क्या कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमारा अगर सेंटर ओ है तो एंगल ए ओ, ठीक है, ए से चले ओ तक आए फिर बी, ये जो एंगल बन रही है हमारी ये किसके बराबर होगी, एंगल सी ओ डी के बराबर होगी, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, हमारे एंगल्स बराबर हैं, बस केस क्या होना चाहिए था, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, तो उनके सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम नंबर वन है। थ्योरम नंबर टू भी एकदम जस्ट इसका उल्टा है, उल्टा मतलब जैसे इस चीज को आपने जैसे समझा है उसी तरह से इसका रिवर्स जो होगा वो है थ्योरम नंबर टू, जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम मैं इरेज कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग ये चीज समझ लीजिए, इसके बाद हम थ्योरम नंबर टू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब थ्योरम नंबर टू क्या कहता है, देखिए ये हमारा सेंटर है क्या, ओ। अब मान लीजिए यहाँ से हमने ये एक हमारा कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, और दूसरा कॉर्ड क्या है, दूसरा कॉर्ड है सी डी, ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको आप समझ के करिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ए बी से हम ओ पे एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, सेंटर पे हमने एंगल बना दिया, ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, ये है एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कॉर्ड है सी डी, इससे एंगल बनाते हैं सेंटर पे ही, ठीक है। तो सेंटर और हम लोग डी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और ये सेंटर और ये सी को, मान लीजिए सी यहाँ पे, ठीक है, इसको जोड़ दिया, अब हमारा एंगल क्या बना है, ये बना है एंगल सी ओ डी, ठीक है। अब आपसे थ्योरम नंबर जो टू है हमारा, थ्योरम नंबर टू हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि अब देखिए ये थ्योरम नंबर वन टू से आपको नहीं लर्न करना है, आपको क्या करना है, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कौन से नंबर पे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपके नॉलेज में क्या चीज है कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये चीज आपको नोन है या फिर गिवन है, ठीक है, ये चीज आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं बराबर हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि अगर सेंटर पे कोई दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं सेंटर पे, इसका मतलब क्या है, वो दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें पता है कि सेंटर पे एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। आपको एकदम जस्ट उल्टा था, पिछले वाले में क्या था कि अगर लाइंस इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगी, इस वाले थ्योरम में क्या है, अगर एंगल्स इक्वल है सेंटर पे तो जो कॉर्ड से एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो हमने थ्योरम देख लिए, अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम आप थोड़ा नीटली खुद ड्रॉ करिएगा और इसके नोट्स बनाते चलेगा ताकि आपको फ्यूचर में ये याद रहे, ठीक है, ये थोड़ा नीट नहीं बना था, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आ गया कि अगर एंगल्स इक्वल बना रही है कॉर्ड्स तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब वो फिगर देखिए किसी भी तरह का बन सकता है, फिगर आपको फिक्स नहीं रखना, ये मेरा सर्कल है, ये मेरे दो कॉर्ड्स हो गए ऐसे ऐसे, ये सेंटर है, आपसे कह दिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सॉरी सेंटर पे बन रहा है ये एंगल, ठीक है, इक्वल है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, वो इक्वल होंगी, ठीक है, इतना आपको समझना है। अब चलिए नेक्स्ट जो है हम थ्योरम जो है उसका देख लेते हैं, उसका क्या रूल है, आपको याद रखना है। अब देखिए थ्योरम नंबर थ्री हमारा क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए हमने क्या किया कि एक कॉर्ड ले लिया, ठीक है, कॉर्ड हमारा क्या है ए बी, ठीक है, ये ए बी है हमारा कॉर्ड। अब आप क्या कह रहे हैं, सेंटर है ये हमारा, जो सेंटर ओ है, ओ से आपको क्या करना है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री का एक लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको 90 डिग्री एंगल बनाए इस लाइन पे, ठीक है, आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, तो ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, हम इसको इसका नाम दे देते हैं ओडी, तो ओडी क्या है यहाँ पे, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल कोई हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे कट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज पता है, ठीक है, ओडी अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, अगर 90 डिग्री बना रही है एंगल, इसका मतलब क्या है कि वो इस लाइन को
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। आपको फिर से एक बार मैं बता दूं, ओडी अगर एक परपेंडिकुलर हम किसी भी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे किसी भी डिरेक्शन में वो कॉर्ड हो, कोई भी कॉर्ड हो, अगर आप सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना को हम कहते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। बी आई एस ई सी टी, थोड़ा डर्टी हो गया सॉरी, बी मतलब टू और सेक्ट मतलब सेक्शंस, आप समझ सकते हैं कि दो इक्वल सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आप खुद ही इसमें समझ रहे हैं, ये आपको सिर्फ इतना बता दिया है कि ए ओडी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, आपको सिर्फ इतनी चीज पता है, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ ये आप ऑटोमेटिकली समझ रहे हैं, ये आपको तुरंत समझ जाना है कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से, ठीक है, वो परपेंडिकुलर सेंटर से होना चाहिए, सेंटर से नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो सेक्शन है हमारा एडी वाला जो सेक्शन है वो इक्वल किसके होगा, डीबी के, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली, एडी इज इक्वल टू डीबी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है एडी इज इक्वल टू हाफ एबी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपसे ये कह देता है कि एबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको बता दिया है, तो एडी कितना होगा, ठीक है। तो AD क्या है, अब देखिए आपको पता है कि ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको पता है। अगर आपको ये पता है इसका मतलब क्या है कि अगर AB जो मेरा 10 सेंटीमीटर तो AD इसका हाफ होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज आपने समझ लिया। अब आपको दूसरी तरह से भी ये पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि AD जो है वो 6 सेंटीमीटर बराबर है, AD जो है वो 6 सेंटीमीटर बराबर है तो AB कितना होगा। तो हमें पता है कि AD जो है वो AB का आधा है, तो AB क्या होगा, इसका डबल होगा, तो AB कितना हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा AD 6 सेंटीमीटर है तो DB कितना होगा, तो AD DB मेरे इक्वल थे, इसका मतलब क्या है ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपको सिर्फ इतना नॉलेज दे दिया कि किसी कोई भी एक डिस्टेंस बता देगा इनमें से, AD बता दे, DB बता दे, या पूरा AB बता दे, और सिर्फ ये बता दे कि आपको ये सेंटर से आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप जो है वो इससे डिराइव कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका यूज इस तरह से आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ना पूछे कि ये सेंटर से हमने ये 90 डिग्री का, ऐसा ऐसा आपको नहीं आ जाएगा, ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए डी कितना होगा तो ये निकालो। लेकिन क्या पता जो कॉम्प्लिकेटेड जो डायग्राम्स आते हैं, बहुत सारी यार सर्कल के अंदर चीजें बनी होती है, उन सब में आप यूज करके एक चीज से एक चीज चेन सीरीज की तरह आप यहाँ से चीजें जो है वो डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा आपने ये थ्योरम देख लिया, सेम इसी का रिवर्स, जैसे हमने पिछले वाले में कन्वर्स पढ़ा था उसका, इसी का रिवर्स थ्योरम नंबर 4 है जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये चीज आप देखिए, मैंने एज एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, ठीक है। पिछले वाला जो एग्जाम्पल था, मान लीजिए ए बी जो है ये पूरा इस पे मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और मेरा एक और कॉर्ड है जो यहाँ पे है, ये भी क्या हो रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी कितना होगा अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, बराबर है। तो अब आपसे क्या कर रहा है, आपको पता है कि अगर ये ए बी और सी डी भी इक्वल होने चाहिए, तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी क्या हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करना है, ये इसीलिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए थ्योरम नंबर 4 हम देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 4 का मतलब क्या समझना है हमें, देखिए ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, जो कि ए बी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से सेंटर हमारा ओ है, सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे, ठीक है। वो लाइन क्या कर रही है, ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये आपको नॉलेज ऑलरेडी है, ठीक है। ए बी 10 सेंटीमीटर है और आपको ये बता दिया कि, या फिर आपको देखिए ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ना दे, आपको सिर्फ इतना बता दे कि ए डी इक्वल्स टू डी बी,
या फिर AD इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, आपको बता दें AD इक्वल्स टू हाफ AB, मतलब AB का हाफ है, ठीक है। आपको ये बता दें, या फिर आपको बता दें कि AB इज इक्वल्स टू 2 AD या फिर 2 DB, आपको इनमें से कोई भी चीज बता दे, ये इनमें से कुछ ना कुछ आपको ये गिवन होगा, ये आपकी नॉलेज में होगा, ठीक है। ये नॉलेज में होने की वजह से आप क्या, आपको समझ में क्या आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि OD जो है, ये OD जो लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछेगा, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आपको एक फिगर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसा फिगर दे दिया और आपको ये बता दिया कि AD इक्वल्स टू DB, आपको सिर्फ इतना बता दिया और ये फिगर आपको बता दिया है, और आपको कह रहा है कि AB जो एंगल है ये क्या है, ये मेरा है मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए कि 60 डिग्री है। तब आपसे पूछेगा कि एंगल AOD कितना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये आपको समझ नहीं आया, आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा, आपसे पूछ बता दिया सिर्फ कि AD जो, हम ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जिसकी वजह से AD इक्वल्स टू DB है, आपको इतना बता दिया और ये एंगल बता दिया कि 60 डिग्री है, तो आपसे ये वाला एंगल जो है वो पूछ रहा है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे कैसे आप, ये वाला जो एंगल है निकालने के लिए आपको कोई भी एक ट्राइंगल, देखिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, AOD, ठीक है, ये मेरा एक ट्राइंगल है AOD, ठीक है, आपको सिर्फ ये एंगल पता है 60 डिग्री है। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको एक एंगल निकालना हो तो आपको एटलीस्ट दो एंगल पता होने चाहिए, दूसरे दो एंगल के बिना तीसरा एंगल आप निकाल नहीं सकते। तो अगर आपको ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल दिया है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपको डायरेक्टली नहीं बताया, आपको क्या हिंट दिया है कि AD और DB जो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, OD क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब बाइसेक्ट करना। तो अगर AB को हमने बाइसेक्ट किया है, अगर कोई भी सेंटर से लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो कौन से एंगल पे करती है, 90 डिग्री पे करती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि कोई भी अगर 90 डिग्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होता है ना एक लाइन जो है, ये पूरा जो एंगल होता है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं इसको, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर 90 है तो ये वाला पार्ट भी हमारा 90 होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री हमें ये पता चल गई, हमें ट्रायंगल का ये भी पता चल गया कि ये कितना है, 90 डिग्री है, दो एंगल पता चल गया, तीसरा एंगल निकले ना जी, आराम से निकल जाएगा। तो हम जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ, ठीक है, मैं शॉर्ट में इस फिगर के हिसाब से लिख रही हूँ, वरना यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना पड़ता, AOD ADO ऐसे करके, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए हमें पता है 60 है, एंगल डी हमें पता है क्या है, 90 है, अब एंगल ओ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इनका सम, तो हमारा एंगल ओ निकल के क्या आ जाएगा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता, बिना इस वाले एंगल के आप नहीं निकाल पाते, अगर ये आपको नहीं पता है कि बाइसेक कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, तो आप ये नहीं निकाल पाते, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो इस क्लास की आप इन पूरे को आप इसको देखिएगा, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड, एनसीईआरटी में जिस तरह से थ्योरम्स बताए हुए होते हैं उस पे बेस्ड आपको ये सारी चीजें मैं समझा रही हूँ, होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। फिर जैसे ही हमने सारे थ्योरम्स देख लिए तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो आराम से हो। देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चीज नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लें। तो ये तो चारों चीजें बताई हैं, आपको ये चीज याद कर लेनी है आज का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट जो जो जब भी हमारी क्लास होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, इन चीजों को एप्लीकेशन देख लेंगे, और भी जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं उनको भी हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। आप एक ऐड पे प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।